संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं ब्राह्मी के औषधीय गुणों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है ब्राह्मी की खूबियाँ? देखिए, ब्राह्मी भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी बूटी है। आयुर्वेद में बहुत इसका प्रयोग होता है, विशेष रूप से मस्तिष्क के जो विकार हो रहे हैं, हमारे जो मानसिक रोग जो हमको हो जाते हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऐसे अनेक प्रकार के जो रोग हैं उनमें ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हमारा मस्तिष्क है, माइंड बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जिसको हम कहते हैं, उसमें ब्राह्मी का चूर्ण गाय के घी में मिला के सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। या फिर आपको याददाश्त की प्रॉब्लम होगी, याददाश्त कमजोर होगी, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उसमें ब्राह्मी का चूर्ण जो है आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ से सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त रक्त शोधक भी है ब्राह्मी। अगर ताजी मिल जाए आपको तो ब्राह्मी का ताजा जूस निकाल करके 30 से 40 मिलीलीटर दिन में दो बार पीने से रक्त की शुद्धि होती है, त्वचा के रोगों में भी लाभ मिलता है। हृदय के लिए बहुत अच्छी है, पौष्टिक है। हृदय जो रोगी है वो लोग ब्राह्मी का काढ़ा बना करके और साथ में अर्जुन का चूर्ण मिला करके उसमें पिए तो बहुत ही लाभ करेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, नींद ठीक से नहीं आती है, हमेशा चिंता बनी रहती है, मानसिक तनाव आजकल बड़ा कॉमन सा एक रोग है हमारे यहाँ पर, वो लोग भी ब्राह्मी का सेवन करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा। ब्राह्मी की टेबलेट्स बनी बनाई हमारे यहाँ जीवा में मिल जाती हैं। अगर किसी को आपको टेबलेट फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा।